ओम शांति। द न्यू नॉर्मल। नॉर्मल शब्द की परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा दिन में जीवन में भी देखें हम कितनी बार इस शब्द का उपयोग करते हैं एंड हम कहते हैं दिस इज नॉर्मल, इट्स नॉर्मल टू फील लाइक दिस, इट्स नॉर्मल टू बिहेव लाइक दिस, इट्स नॉर्मल फॉर द वेदर टू बी लाइक दिस, इट्स नॉर्मल फॉर पीपल टू डू दिस। सो नॉर्मल। तो नॉर्मल बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिस शब्द पर हम नॉर्मल वर्ड रखते हैं हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये तो नॉर्मल है, तो हमने इसको स्वीकार कर लिया है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल। अब कोविड से पहले ही अपने जीवन को देखते हैं कि हम उस समय भी कौन सी इमोशंस को नॉर्मल कहा करते थे। अभी भी कहते हैं, हम कहते हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंगर इज नॉर्मल, फियर इज नॉर्मल, चिंता नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशंस रखना नॉर्मल है, कंपैरिजन एंड कंपटीशन ये तो नॉर्मल है, तो फिर ईर्ष्या होना भी नॉर्मल है, बुरा लगना, हर्ट फील होना नॉर्मल है, तो फिर शरीर में कोई बीमारी हो जाना ये भी नॉर्मल है, रिश्तों में अनबन होना ये भी नॉर्मल है। कितनी अनकंफर्टेबल इमोशंस को, डिजीज को, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट को हमने नॉर्मल कह दिया था। पुरानी बात भूल न पाना, किसी को क्षमा न कर पाना, कहते थे ये तो नॉर्मल है। जिसने हमें धोखा दिया उसको फिर से ट्रस्ट न कर पाना, उस बात को फुल स्टॉप लगा के खत्म न कर पाना, तो दुनिया हमें कहती ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो आपको लगेगा ही। तो अगर हम चेक करें हमने बहुत सारी अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल कह दिया था, और नॉर्मल कहने से हमने उनको स्वीकार कर लिया कि तनाव, चिंता, दर्द, डर, गुस्सा, इरिटेशन, इम्पेशंस ये नॉर्मल है, और क्योंकि हमने उनको नॉर्मल रहा, हमने उनको परिवर्तन नहीं किया, तो वो दिन ब दिन हमारे जीवन में बढ़ती गई। फिर एक ऐसी परिस्थिति आई जो सारी सृष्टि के सामने एक ही समय पर आ गई, अ क्राइसिस, अ ग्लोबल सिचुएशन, अ ग्लोबल क्राइसिस। और इसमें भी हम सब ने क्या कहा? हमने कहा फियर एंड एंग्जाइटी इज नॉर्मल। और जैसे ही हमने ये कहा हमने सबको ये वाइब्रेशन दे दी कि अगर आपको डर लग रहा है इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ये तो नॉर्मल है। इनफैक्ट अगर कोई कहे कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, तो लोग उसकी तरफ देखते और कहते क्यों, आप नॉर्मल नहीं हो, आपको गुस्सा नहीं आता, आपको चिंता नहीं होती। सो नॉर्मल द वर्ड इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो हमने कोविड से पहले भी अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल कहा था, और इसीलिए जब ये परिस्थिति आई हम में से मेजोरिटी ने फियर एंड एंग्जाइटी क्रिएट कर दिया। इसका रिजल्ट कि क्राइसिस सिर्फ एक था जो बाहर था, लेकिन मन के नॉर्मल की डेफिनेशन क्लियर नहीं थी, तो हमने स्ट्रेस को बढ़ा दिया, डर को बढ़ा दिया, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, डिप्रेशन बढ़ गया। ये सारी चीजों का कोविड से तो कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन नॉर्मल की परिभाषा की वजह से ये सारी चीजें क्रिएट हुई। तो न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल सिर्फ ये नहीं है वर्क फ्रॉम होम, लेस ट्रैवल या नो ट्रैवल, दिस इज न्यू नॉर्मल। अगर हमने कोविड से सिर्फ इतना ही सीखा तो फिर ये तो अभी इनकम्प्लीट है। न्यू नॉर्मल ये नहीं है सिर्फ, न्यू नॉर्मल अर्थात यहाँ की जो नॉर्मल की डेफिनेशन है उसका न्यू नॉर्मल क्रिएट करते हैं। एंड एक्चुअली ये जो हम न्यू नॉर्मल क्रिएट करेंगे यही तो नॉर्मल है। हम अब तक तो अनकंफर्टेबल चीजों को ही नॉर्मल कह चुके थे। सो न्यू नॉर्मल। पीस इज नॉर्मल, पेशेंस इज नॉर्मल, कंपैशन इज नॉर्मल, कोऑपरेशन इज नॉर्मल, फॉरगिवनेस, लेटिंग गो, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, दिस इज नॉर्मल, स्टेबिलिटी इज नॉर्मल, हेल्थ इज नॉर्मल,
हार्मनी इन रिलेशनशिप इज नॉर्मल, ये न्यू नॉर्मल को हमें लेकर आना है और ये तनाव चिंता इन सब को नॉर्मल बोलना बंद करना है, क्योंकि हम इसको नॉर्मल कहते हैं, आगे की हमारी नेक्स्ट जेनरेशन बच्चे इसको नॉर्मल कहते हैं, और नॉर्मल कहते कहते हमारी इमोशनल हेल्थ और नीचे 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 आ रही है। इस समय भी हम अपनी फिजिकल इम्यूनिटी का ध्यान रख रहे हैं, हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमारे को अपनी इमोशनल इम्यूनिटी का भी तो ध्यान रखना है। जब तक इमोशनल हेल्थ सही नहीं होगी, शरीर भी परफेक्ट कैसे चलेगा? तो न्यू नॉर्मल फॉर गुड पावरफुल इमोशनल इम्यूनिटी, फॉर परफेक्ट इमोशनल हेल्थ, फॉर इमोशनल फिटनेस, न्यू नॉर्मल सिर्फ वो ही फीलिंग्स जो हाई वाइब्रेशनल है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड शुक्रिया नॉर्मल है, शिकायत अननेचुरल, अनहेल्दी अनहेल्दी है। तो हेल्दी क्या है? वो नॉर्मल है, जो अनहेल्दी है वो नॉर्मल नहीं है। शुक्रिया करना, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, हर एक का शुक्रिया, भगवान का शुक्रिया, अपने मन और शरीर का शुक्रिया, जो परिस्थितियां भी आई उनका भी शुक्रिया, वो भी हमें कितना कुछ सिखा कर चली जाती है। जीवन में जो विघ्न भी आते हैं, मुश्किलें भी आती हैं, लोग कभी कभी हमसे सही व्यवहार नहीं करते, उनका भी शुक्रिया कि आप आए तो मेरे अंदर की सहन शक्ति, पावर टू एडजस्ट, पावर टू अडेप्ट, पावर टू फेस, ये इमर्ज हो गई, आपका भी शुक्रिया। तो ग्रैटिट्यूड इज नॉर्मल, शिकायत इज अनहेल्दी। कोऑपरेशन सहयोग देना सबको, दिस इज नॉर्मल। कॉम्पिटिशन इज अनहेल्दी। दुनिया में भले लोग कहते हैं लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन इज अनहेल्दी, क्योंकि इसकी वजह से ये ज्यादातर तनाव है, क्योंकि हम सारा दिन रेस में हैं, हमेशा हमें एक दूसरे से आगे जाना है, कोई हमसे आगे जाता है तो हमें देखकर अच्छा नहीं लगता, कोई किसी कारणवश पीछे हो जाता है तो हमें सुकून मिलता है, अच्छा हुआ पीछे हो गए अब हम आगे जा सकते हैं। दिस इज ऑल अननेचुरल, दिस इज नॉट हेल्दी। ये सारी वाइब्रेशंस लो वाइब्रेशंस हैं। कोऑपरेशन इज नॉर्मल, शेयरिंग एंड केयरिंग इज नॉर्मल, एंगर इज अनहेल्दी, पेशेंस इज नॉर्मल, गुस्सा करना, चिंता करना, वरी, हम कहते हैं वरी तो नॉर्मल है, वरी नॉर्मल नहीं है। वरी करके तो हम नेगेटिव एनर्जी खुद को भी दे रहे हैं, औरों तक भी पहुंचा रहे हैं। एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को भी कहते हैं आई लव यू सो आई वरी, वरी इज नॉर्मल, वरी इज नॉट नॉर्मल, केयर इज नॉर्मल, दूसरों का ध्यान रखना, परवाह करना, अपनी जिम्मेवारियां निभाना, हर समय उनके लिए जब जरूरत पड़े वहां हाजिर होना, दिस इज नॉर्मल। लेकिन ये सोचना अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा कर लिया तो इसका भविष्य में क्या होगा, इसका आगे क्या होगा, ये दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज अनहेल्दी। तो बहुत सारी चीजों की हमें डेफिनेशन चेंज करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मल, आज दिन तक हम अपनी परिस्थितियों को और अपने लोगों के व्यवहार को अपने मन की स्थिति का कारण समझते थे। We blamed people and situations for how we were feeling. हम कहते थे उनकी वजह से ऐसा, उसकी वजह से मुझे दुख हुआ, उसकी वजह से मुझे हर्ट हुआ। So we blamed people and situations for how we were feeling. And the world said, this is normal, but that's not normal. So new normal, emotional independence. New normal, emotional independence, which means यहाँ हमारी हर सोच, हमारा हर बोल, हमारा हर व्यवहार, इसके जिम्मेवार सिर्फ हम हैं, सिर्फ हम इसके जिम्मेवार हैं, इसका ब्लेम किसी और पर नहीं। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पहले खुद भी आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मनिर्भर अर्थात मैं आत्मा अपने हर संकल्प बोल और कर्म के लिए सिर्फ खुद पर निर्भर हूँ। आई चूज माई एवरी थॉट वर्ड एंड बिहेवियर, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आत्मनिर्भर हूँ। इफ आई ब्लेम पीपल एंड सिचुएशंस तो मैं परिस्थिति और लोग निर्भर हो गई। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर इज न्यू नॉर्मल, सेल्फ डिपेंडेंट,
सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, और जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, अपनी हर फीलिंग, अपने हर बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो फिर केयर, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, पीस, लव, ये सब अपने आप नॉर्मल होने लगेगा, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है. नॉर्मल मतलब नेचुरल, नेचुरल मतलब नेचर. नेचर क्या है? तो मुझ आत्मा की नेचर, मुझ आत्मा का स्वभाव शांति है, प्यार है, सम्मान है, खुशी है, सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, आनंद है. ये मुझ आत्मा का स्वधर्म है, ये मुझ आत्मा का स्वभाव है. स्व शब्द, दिस इज माय नेचर, माय संस्कार, ये हमारी नेचर है और इसीलिए ये नॉर्मल है. लेकिन जब हम अपनी नेचर को एक्सपीरियंस नहीं करते, हम उन्हीं चीजों को बाहर ढूंढते हैं, तो न्यू नॉर्मल, शांति, खुशी, प्यार को बाहर नहीं ढूंढना है, लोगों से नहीं मांगना है, अपनी अचीवमेंट पर उसको डिपेंडेंट नहीं करना है. आत्मनिर्भर, हमारी हर सोच, बोल और कर्म हमारे नॉर्मल संस्कार के आधार से होगी, तब हम आत्मनिर्भर हैं और तब तब हम हमेशा हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे. दिस इज इमोशनल हेल्थ, दिस इज हाई इमोशनल इम्यूनिटी, दिस इज इमोशनल फिटनेस. ये समय की पुकार है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर. इस सिचुएशन से हमें ये तो सीखना ही होगा कि अपने मन का ध्यान रखना ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक प्रायोरिटी है. कोविड से पहले हम कहते थे क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है. कभी कभी हम कुछ लोगों को कहते थे आप आइए ना सेंटर पर, आप मेडिटेशन सीखिए ना, कहते थे क्या करें, मरने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, हम मेडिटेशन कैसे सीखने आए. इट कैन नॉट रिमेन द सेम. दिस इज न्यू नॉर्मल कि सेल्फ केयर, अपने मन का ध्यान रखना, आत्मा को शक्तिशाली बनाना, दिस इज नाउ नॉट एन ऑप्शन, दिस इज अ नेसेसिटी, दिस इज अ प्रायोरिटी. इसको हमें महत्व देना होगा, इसके लिए हमें रोज समय निकालना होगा. तो एक और न्यू नॉर्मल, हर रोज सुबह का आधा एक घंटा अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए रखें, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर, परमात्मा के ज्ञान को उसके अंदर भर के, परमात्म शक्ति को आत्मा के अंदर भर के, आत्मा को एनर्जाइज करके फिर सारे दिन के लिए बाहर निकले. सो न्यू नॉर्मल सेल्फ केयर, एंड सेल्फ मतलब शरीर और बाकी चीजें नहीं, सेल्फ मतलब सेल्फ, आई द सोल. सेल्फ केयर, अपना ध्यान, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सुबह का आधा एक घंटा रखना अब ऑप्शन नहीं, अब नेसेसिटी है. और जितना हम आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे, हमारे वाइब्रेशंस हमारे घर में रेडिएट होंगे, हमारे घर की ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो वाइब्रेशंस हमारे फैमिली मेंबर्स को मिलेंगे, उनकी भी इमोशनल हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी, उनका भी इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा. मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स, इसको तो हम समाज से ही खत्म कर देंगे अगर हम सब अपनी इमोशनल हेल्थ, और इमोशनल हेल्थ किस आधार से बनेगी, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ. तो स्पिरिचुअलिटी हमारा जीवन जीने का तरीका है, स्पिरिचुअलिटी हमारी पर्सनालिटी है. तो उसको, अपनी पर्सनालिटी को, अपने संस्कारों को हर कर्म में यूज करना, ये हमारा न्यू नॉर्मल है, क्योंकि इसी में हमारी प्रोटेक्शन है, वर्तमान सिचुएशन में भी और हमेशा हमेशा इसी में हमारी प्रोटेक्शन है. जब हम मन और शरीर का ध्यान रखते हैं, जब ये दोनों संपूर्ण स्वस्थ होते हैं, तो जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करना बहुत सहज होता है. क्राइसिस सिर्फ बाहर होगा, अंदर काम एंड स्टेबिलिटी, दिस इज द न्यू नॉर्मल. तो आधा एक घंटा रोज सुबह अपने लिए रखें, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करें. कुछ दिन ही लगेंगे सिर्फ एडजस्ट करने में,
और थोड़े दिन में वो हमारा जीवन जीने का तरीका बन जाएगा. सो परफेक्ट इमोशनल हेल्थ, दिस इज द न्यू नॉर्मल फॉर अस, फॉर आर फैमिली, फॉर आर कलीग्स, फॉर आर टीम, फॉर द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच. ओम शांति.